हाँ सुन, तेरा रिजल्ट क्या आया? माई रिजल्ट इज माई रिजल्ट, नन ऑफ योर रिजल्ट। ए, कुछ भी बोलने का, लेकिन ये जो कब और नहीं बोलने का। हमारे लास्ट बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट है, अभी कुछ 2 साल हो चुके हैं, लेकिन वो दिन हमारे दिमाग में क्लियरली छपा, क्योंकि आपके आसपास वालों से इतना सारा बिना मतलब का इम्पोर्टेंस और भाव आपको और कभी नहीं मिले, सिवाय उस डिजास्टर सॉरी रिजल्ट डे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ पता है किसका है? न्यूज़पेपर और मीडिया वालों। पूरे देश में ऐलान कर देते कि सुनो भाइयों बहनों आज रिजल्ट है। अरे भाई स्टूडेंट्स को पता है उनका रिजल्ट है, उनके पेरेंट्स को भी पता है, तो क्यों ये ब्रेकिंग न्यूज बना के हमारी लेते हो यार? कहीं कोने में लिख दो या मैट्रिमोनियल सेक्शन में डाल दो, कौन पढ़ता है वो वैसे भी, क्योंकि ये तो रिलेटिव्स के लिए अच्छा मौका है किसी 10वीं या 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को सडनली 5 साल बाद याद करने। एक तो पता नहीं किस किस का कॉल आ जाता है। अरे आज रिजल्ट है। हेलो हेलो गोपाल बेटा। कौन गोपाल? रॉन्ग नंबर। अरे नहीं नहीं राइट नंबर है, आपका रिजल्ट है ना आज गोपाल जी? पहले तो मैं अभ्युदय हूँ, कोई गोपाल नहीं, और हाँ रिजल्ट आया है, पर आप कौन? अरे याद नहीं तुमको, तुम्हारे नामकरण के दिन हम मुफ्त की मिठाई खाने आए थे। नहीं नहीं है यार। और ये न्यूज़पेपर्स का काम खत्म नहीं होता, अगले दिन आ जाती है टॉपर्स की लिस्ट उनके इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ, क्योंकि बाय चांस अगर अभी तक आपको अपने रिजल्ट पे रोना नहीं आया ना, तो अब तो आ ही जाएगा। एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जिसको दूसरों के रिजल्ट में ज्यादा दिलचस्पी है। फाइनली आज रिजल्ट्स का दिन आ ही गया, इसी दिन के इंतजार में था मैं। रिजल्ट चेक करता हूँ। हाँ बोल भाई। तुझे आया 75%, बंटी के 90, राहुल के 87, टॉप मैंने किया विद 95%, थैंक मी लेटर, चल बाय यार। एग्जाम्स और रिजल्ट्स के बीच का टाइम ना बड़ा मजेदार होता है कि यार अभी तो 1 महीना है, पार्टी करते, चिल करते, ऐश करते, टाइम है यार बहुत फट रही है मेरी, क्या करूँ अभी। अब जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं हमारी एंजाइटी बढ़ती जाती है, और हमारी लेने के लिए घटिया से वेबसाइट जैसे chunnumunnu.com ये डाल देगा कि रिजल्ट कल ही आने वाला है, और शाणे बच्चे उसे व्हाट्सएप पे फैला भी देते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स डेट ऑफिशियल वेबसाइट से पहले chunnumunnu.com पे ही तो आएगी, सबसे रिलायबल सोर्स है। अब देखो अपने रिजल्ट बताने का भी ना एक तरीका होता है, चाहे जितने भी अच्छे मार्क्स हो आपको हमेशा अनइम्प्रेस्ड रहना, क्योंकि अगर आप बोला आप सैटिस्फाइड हो तो सारा स्वैग ही खत्म हो जाएगा। मुझे 95% आए, मैं बहुत खुश हूँ। You know, I got only 95%. इससे ज्यादा ला सकती थी मैं, such a terrible score. और इस swag के साथ आपको मुफ्त की गालियाँ भी मिलेगी। कई बार आपके result सिर्फ कुछ limited time के लिए अच्छे लगते। 80% बेटा, very good, very good. शाबाश, शाबाश। Hello. हाँ जी जी, result आ गए, मेरे बेटे को तो 80% आए, और आपके 80.1. एग्जाम रिजल्ट व्हाट्सएप स्टेटस। अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मोहब्बत और सब्सक्राइब करने का क्या कनेक्शन? इस बार की CBSE टॉपर थी मेघना श्रीवास्तव, तालियां हो जाए उनके लिए, जिनको आए 500 में से 499 अंक, 499 out of 500। ऐसा क्या लिखा था पेपर में, फूल पत्ते डाल के सबमिट किया था क्या? नहीं मतलब सही में कमाल का अचीवमेंट है, क्योंकि हम जैसों का तो टीचर हैंडराइटिंग देख के आधे मार्क्स काट देते कि ये कौन सी भाषा लिख दी है। अब ये टॉपर है तो मीडिया भी से भागेगी, पर इनके पास पूछने के लिए ना कुछ नहीं होता। आपने टॉप किया है तो ऑब्वियसली उसमें बहुत पढ़ना पड़ा होगा। What exactly did you do? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? ये कमाल किया कैसे? कैसे किया मतलब पढ़ के ही किया होगा ना, ये कैसे सवाल है? कभी किसी रेस में फर्स्ट आने वाले बंदे से पूछा है कि सर आप फर्स्ट कैसे आ गए? टॉप करने की सारी खुशी गायब कर दी इन्होंने। हमारे देश में एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें होती है, जैसे बिहार में टीचर्स क्वेश्चन पेपर ही प्रिंट करना भूल गए, स्टूडेंट्स का सुना है कि पढ़ना भूल गए या पढ़ा नहीं, पर यहाँ तो टीचर्स ही कंफ्यूज्ड है कि अच्छा आज एग्जाम था, फिर कोई पेपर में 100 का नोट चिपका के दे देता है। लेकिन उसने सोचा कि 100 रुपए में उसका काम हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम पे टीचर क्या कर रही थी, यहाँ तो उबासी भी ले रही, तो टीचर को लगता है ऊपर वाली दीवार से कॉपी करने की कोशिश कर रही, इतना सारा एक तो टेप मारा कि गलती से नोट निकल ना जाए। और आपको रूबी राय द लेजेंड तो याद ही होगी, अरे वही अपनी बिहार की टॉपर। पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज है? खाना बनाने के बारे में। चलो ठीक है सब्जेक्ट नहीं पता, पर पेपर पे क्या लिखा? रूबी राय ने पहले पन्ने पर शायरी लिखी। अरे इरशाद इरशाद क्या टैलेंट। फिर 101 फिल्मों के नाम लिखे थे। 101 फिल्में, कितनी कहरिंग है यार, चेक करने वालों का फ्री में GK बढ़ा दिया। अंग्रेजी की परीक्षा में जवाब हिंदी में लिखा था। और इसके साथ साथ ये बहुत हम्बल भी है। हमको नहीं पता कि हम कैसे टॉप कर गए। बाहर तो रिजल्ट पर रिएक्शन वीडियोस भी बना रहे, भाई कुछ तो छोड़ दो।
अच्छा ये है असली डूड कौशी। आंसर शीट में गाने लिख के आने पर भी जब अच्छे मार्क्स आ जाना तो ऐसी चूल मचती है। आज रिजल्ट आने वाला है, इस बार मैं चैन से रहूंगा। भैया 2 दिन न्यूज़पेपर मत देना। थोड़ा हल्का हो लेता हूँ यार, अब कैसे पूछेंगे रिजल्ट? ये क्या निकला? So that is it for today, guys. अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। We'll see you guys in the next one. देखते हैं मैट्रिमोनियल सेक्शन में आज क्या है। सीख सब बबली तमिल गर्ल नॉन फेसबुक यूज कर, क्योंकि अगर फेसबुक यूज करे तो नहीं सॉरी शादी नहीं हो सकती। सॉरी कौन पढ़ता है ये सब।